कोशिश करें किसी को भी तकलीफ न दें। हमारी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हम हज़ार बार से भी ज़्यादा कह सकती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स एहतजाज पे निकले हैं, उनके कई किस्म के मसले हुए हैं, स्टूडेंट्स कभी हॉस्टल रिलेटेड मसले हुए, कभी हेरासमेंट के मसले हुए हैं, मतलब एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे हज़ार किस्म के मसले हुए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं रोडों पर वो पिटे हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं रोडों पर उनकी चादरें उनसे छीनी गई हैं। तो बस यही है कि एक रिक्वेस्ट है कि हमारे बलूचिस्तान अगर एजुकेशन मांग रहा है तो उसे एजुकेशन की सही सहूलियत दी जाए। देखिए हमारी जो प्रोटेस्ट हमने रैली निकाली थी कल से परसों हमने डिसाइड किया था और हमारी बाकी तंजीमों को भी हमने साथ लेने के लिए कहा था, लेकिन फिर हमारी दोनों तंजीमों ने और स्टूडेंट्स रिलेटेड जो हमारी एनटीएस स्टूडेंट्स थी कुछ उनमें भी शामिल, वो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ शामिल है इत्तेहाद के लिए, उनके लिए हम साथ रैली में निकले हैं जी। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है, इसीलिए हम लोग इस इशू को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आज इस रोड पे खड़े हैं इस गर्मी में। तो इसे अगर अभी भी हम ये कहेंगे कि अगर अभी भी हमारा मसला ना हुआ तो पूरे पाकिस्तान में या पूरे बलूचिस्तान में हम लोग रैलियों का और प्रोटेस्ट का लाइन जारी करेंगे। जिसका मकसद आप लोगों को पता है, गुज़िश्ता 10 दिनों से बलूचिस्तान में मेडिकल एंट्री टेस्ट देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मुसलसिल एहतजाज पर हैं, बजाय हुकूमत उनके मसले को हल करने बल्कि इस मामले को तूल देने के लिए, इस मामले को मजीद जो वसत देने के लिए हुकूमत ने स्टूडेंट पे लाठी चार्ज किया, उनको जिंदानों में डाला, उनके जो मुतालबात है आज तक वफाक ने या फेडरल वफाक ने या सूबे ने किसी ने भी आकर उनके मुतालबात नहीं सुने। तो हम दोनों तंजीमों ने आज ये कॉल दी है, हमारा मकसद सबसे पहले जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एंट्री टेस्ट दिया है उनके साथ इजहार यकजहती, और जो फेडरल अदारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है वो एक बेलगाम अदारा है जिनकी वजह से एंट्री टेस्ट में बेजाबतियाँ हुई हैं उनके ख़िलाफ़ है, और हमारा मुतालबा हुकूमत से है, वफाक और सूबों दोनों पर जोर देते हैं कि जो मेडिकल एंट्री टेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन इसको कैंसिल किया जाए और दोबारा टेस्ट रिकंडक्ट किया जाए और फिज़िकल टेस्ट लिया जाए। और एक अहम मुतालबा आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है, चूँकि 18वें आइनी तरमीम के बाद सूबे बहुत सारे चीज़ों में ख़ुद मुख्तार हैं, तो हम ये डिमांड करते हैं कि बलूचिस्तान के जो मेडिकल टेस्ट है वो वफाक के बदले सूबाई गवर्नमेंट अपने मेडिकल अदारों के तहत कंडक्ट करें। और आगे हमारा लायमल ये है 23 तारीख तक अगर ये मसला हल नहीं किया गया, टेस्ट कैंसिल नहीं किए गए, तो हम दोनों तंजीमें जो है ना मुश्तरका बलूचिस्तान लेवल पे या बलूचिस्तान से बाहर कराची डीजी कान जहाँ पर हमारे जो तंजीम स्ट्रक्चर है वहाँ पे भरपूर एहतजाज की काल देंगे, और जितने भी मेन शायरा हैं बलूचिस्तान पे तो उसको ब्लॉक करने के हवाले से भी हम सोच रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स का ये बुनियादी हक है तालीम हासिल करना, और जब से ये गवर्नमेंट आई आप तब से अगर देखें तो ये कोई तीसरा चौथा साल है कि हर साल आपको बीएमसी के स्टूडेंट्स रोड्स पे मिलेंगे, सर्दियों में भी ये लोग रोड्स पे, कभी फीसेस ज़्यादा हैं उसके लिए, कभी सीट्स की कमी की वजह से, कभी हॉस्टल के इशू की वजह से। तो ये सिर्फ इशू जो है ना क्रिएटर्स हैं ताकि इनके स्टूडेंट्स के रास्ते रोके जाएँ और ये लोग उस तरह तालीम हासिल ना कर सकें। आज भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रैली निकली और जिसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी
तादाद यहाँ मौजूद है। हमारे बच्चे हैं, ये हमारा बलूचिस्तानी है, हमारे बलूचिस्तान के बच्चे, हम कभी भी इनको फेंक नहीं सकते, हम इनके सरों पर खड़े हैं। जिस हद तक हम कर सकते हैं हम अपने बच्चों की तालीम के लिए लड़ेंगे। इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कुछ ना करे और इनके लिए कोई सीरियस कोई लायामल तय ना करे तो फिर आखिरी हमारे पास यही रह जाता है कि हम कौमी शाहराहें बंद करें, हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हड़तालें करें। क्योंकि ये आप देखें, बलूचिस्तान तब भी बढ़ेगा जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हेल्थ में आप देख लें, आप पानी देख लें, आप गैस देख लें, वो तो नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा किसी दूर दराज इलाके से आता है, मशके से, खारान से, आवारान से, जो मुसाखेल से, और उसके लिए भी आप लोग रास्ते बंद करते हैं ऑनलाइन के नाम पर, क्योंकि आप क्वेटा में, क्वेटा मेन सिटी है, यहाँ पर भी बहुत से एरियाज़ में नेट मैसर नहीं है, तो वो लोग कैसे देंगे? आप चाहते हैं कि इनके रास्ते बंद हो, वो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आज हम आए यहाँ मेडिकल एंट्री के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके हवाले से जो एहतजाज यहाँ पे धरना स्टूडेंट्स की तरफ से दिया गया है, इनके बहुत ही मुख्तसर से और बहुत ही आसान से मुतालबात हैं। एक तो मुतालबा ये है कि जो इनके पासिंग क्राइटेरिया है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा है। देखें, पंजाब के स्टूडेंट्स में और बलूचिस्तान के यहाँ के तालीमी निज़ाम में और पंजाब के तालीमी निज़ाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो वहाँ जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो क्राइटेरिया यहाँ रखना यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के साथ सरासर जुल्म है। और दूसरा, जिस तरह ये लोग ऑनलाइन टेस्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज भी क्वेटा में ठीक से 3G 4G की सहूलत मैसर नहीं है। जो 3G की सहूलत लाहौर में या फैसलाबाद में या मुल्तान में मैसर है वो यहाँ पे मैसर नहीं है। तो इनके बहुत सिंपल से मुतालबात हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कह लें या बदबख्ती कह लें कि जिस तरह की सूबाई हुकूमत यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, एक नालायक और एक नाइल सूबाई हुकूमत मुसल्लत की गई है कि उनके नौजवान, उनके बच्चे आज यहाँ पे एहतजाज और धरने पे बैठे हुए हैं और उनको एक जूं तक भी नहीं रेंग रही। तो हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमारी पार्टी इंशाल्लाह इसको असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर हर फोरम पर इस मसले को उठाती रहेगी।